एकदम हलवाई जैसी जबरदस्त टेस्टी और जो मुंह में जाते ही घुल जाए, ऐसी बनेंगी हमारी मिठाइयाँ, वो भी बिना मावा खोया और बिना झंझट के। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल, बहुत बहुत टेस्टी और बनाने में बेहद आसान, और वो भी एक नहीं दो नहीं पूरी 6 तरह की मिठाई बनाएंगे फ्रेंड्स, वो भी घर के ही सामान से। सिंपल चीजें हैं लेकिन जो मिठाई बनेंगी कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो घर में बनी मिठाइयाँ हैं। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से एकदम हलवाई से भी बढ़िया मिठाइयाँ घर में ही तैयार कीजिए और दीजिए सबको सरप्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी हलवाई स्टाइल कतली मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मूंगफली। तो सबसे पहले लो मीडियम फ्लेम पर हम गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और सारी मूंगफली डालकर धीमी आंच पर अच्छे से मूंगफली को भून लेंगे। और बस सारी मूंगफली को एक थाली में निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद एक बड़े कपड़े पर डालकर अच्छी तरह मस लेंगे, जिससे कि जो उसके ऊपर का छिलका है ना वो फटाफट से हट जाएगा इस ट्रिक से, ये देखिए। और उसके बाद एक छलनी लेंगे और इस तरह हिलाइए, सारा छिलका इसका निकल जाएगा और आपको एकदम साफ मूंगफली इस तरह से तैयार मिल जाएंगी। आप लीजिए एक इस तरह से कोई भी पैकेट और पैकेट में सारी मूंगफली डालिए और इसको ऊपर से बेलन से हल्का सा करेंगे हम क्रश। हल्का सा पहले क्रश करने से मिक्सी आपको कम चलानी पड़ेगी और आपका एकदम फाइन पाउडर इजीली तैयार हो जाएगा। अब हम लेंगे एक छलनी इस तरह से, छलनी पर सारा पाउडर मूंगफली का डाल देंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें चाहिए हमारी पीनट कतली में, यानी मूंगफली की कतली में बिल्कुल काजू कतली वाला स्मूथ और शाइनी टेक्सचर। और ये लीजिए एकदम हल्का हमारा मूंगफली का पाउडर है इस तरह से बिल्कुल तैयार। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर। तो ये मैंने ना स्किम्ड मिल्क पाउडर लिया है। तो अच्छे से मिल्क पाउडर को कर देंगे मिक्स मूंगफली के पाउडर के साथ। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई या पैन और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और उसी कप का आधा कप डालेंगे पानी। और लीजिए चीनी बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गई है। बस अब आप फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 मिनट के करीब चाशनी को थोड़ा सा और पका लेंगे कि इसमें हल्का चिपचिपापन आ जाए। लगभग 3 मिनट बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। देखिए ये देखिए हल्का सा ना तार सा आ रहा है। गैस को कुछ क्षण के लिए बंद कर देंगे, यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दी है। और बस इस स्टेज पर हम ये थोड़ा थोड़ा करके अपना पाउडर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे चाशनी के साथ। अभी गैस बंद है, पहले अच्छी तरीके से सब चीजों को मिक्स कर लेंगे फिर बाद में गैस को ऑन कर लेंगे, इससे आपको मिक्स करना आसान होगा। और अच्छे से करेंगे पहले मिक्स। बहुत ही बेहतरीन और स्मूथ टेक्सचर हमारी मूंगफली की कतली का आया है। बस तो इस स्टेज पर हम गैस को ऑन करेंगे, बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे, सिर्फ 1 मिनट इसको और पकाएंगे। स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, मतलब ऐसे मान के चलिए लगभग आधा छोटी चम्मच के करीब। और ये देखिए पूरा मिक्स इकट्ठा हो रहा है, कढ़ाई को भी छोड़ रहा है। ये देखिए परफेक्ट बॉल हो गई है रेडी, गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने ली है इस तरह की एक प्लास्टिक शीट, हल्का सा घी लगाकर उसे ग्रीस कर लीजिए। सारे मिक्स को इस शीट पर हम निकाल लेंगे, सुपर। और देखिए गरम में ही इस तरह से शीट पकड़ेंगे और अच्छी तरीके से इसको मस लेंगे और बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, आपको ये डो जैसा फील होगा। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ 1 बटर पेपर, इससे हम इसको इजीली बेल पाए, परफेक्ट। और एक बेलन की मदद से बस इस तरह से हम इसे मीडियम थिकनेस का बेल लेंगे और अब ऊपर से बटर पेपर हटा देंगे, परफेक्ट। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ना मैंने कुछ इस प्रकार की रखी है। और ये लीजिए मैंने साइड्स को थोड़ा सा कट कर लिया है इसको थोड़ा सा फिनिश लुक देने के लिए। अब हम लेंगे चांदी का वर्क, जैसे हलवाई लगाता है ना, अगर हो तो सजाइएगा वरना आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। बस अब इसके बाद हम इसको कर लेंगे डायमंड शेप में कट, या तो कोई स्केल ले लीजिए या कोई पेपर ले लीजिए, उसके हिसाब से आप किनारे से जितनी चौड़ी जितनी पतली आप रखना चाहते हैं या किसी और शेप में काटना चाहते हैं तो इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है और हमारी मूंगफली की कतली यानी सस्ती वाली काजू कतली है बिल्कुल तैयार। हलवाई स्टाइल सुपर सॉफ्ट दानेदार इंस्टेंट मोहन थाल बर्फी बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले लेंगे 2 कप बेसन, सिंपल बेसन जो घर में हमारे पास यूजुअली रहता ही है, इसको बनाने के लिए बस आप वही ले लीजिए। अब बेसन में हम डालेंगे 3 चम्मच पिघला हुआ घी, आप चाहें तो तेल से भी बना सकते हैं पर घी से टेक्सचर और टेस्ट दोनों बढ़िया आते हैं। और इसी चम्मच से मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच दूध, सिंपल रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है, ना दूध गर्म है ना ठंडा।
अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ पर हमें बेसन को बनाना है दानेदार, बिल्कुल जैसे सूजी होती ना रवा, वैसा हमें मोटा मोटा दाना इसका तैयार करना है एकदम परफेक्ट। और ये देखिए बेसन का दाना दाना देखिए खिला खिला हो गया है, मोटा दाना इसका पड़ गया है। अब इस स्टेज पर लगाएंगे एक ट्रिक। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में ये सारा बेसन हम मोइन लगा हुआ डाल देंगे और बस इस तरह से लिड लगाकर दो बार बस आप इसको पल्स पर चला लीजिए, आपका एकदम दानेदार रवा जैसा बेसन तैयार हो जाएगा बिना किसी झंझट। अब फटाफट से गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच के करीब मैंने घी लिया है और घी के हल्का गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे हमारा बेसन जो भी हमने मिक्सी में तैयार किया था और फ्लेम रखेंगे अभी मीडियम क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म नहीं है ना, इसलिए बाद में फ्लेम को लो कर देंगे। अच्छे से बेसन को करेंगे घी के साथ मिक्स। थोड़ी देर में ही देखिएगा जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा घी रिलीज करता जाएगा। तो चलिए जब तक हमारा बेसन भुन रहा है फटाफट करते एक छोटा सा काम। यहाँ पर मैंने लिया है मोहन थाल को जमाने के लिए एक इस तरह का केक टिन, चाहे तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं। केक टिन पर मैं लगा रही हूँ हल्का सा घी और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ एक बटर पेपर, चाहे तो डायरेक्ट केक टिन में भी डाल सकते हैं, बटर पेपर से थोड़ा निकालना आसान हो जाएगा। और इस तरह बटर पेपर लगा करके ऊपर से इसको भी हल्का सा ग्रीस कर देंगे। तो चलिए हमारा मोहन थाल बर्फी जमाने के लिए टिन है बिल्कुल तैयार, इसे रख देते हैं अलग। देखिए बेसन कितना बारीक लिया है अपने, मोटा लिया है, घी की क्वांटिटी भी उस पर डिपेंड करती है। अगर आपको ड्राई लगे तो आप थोड़ी सी घी की मात्रा और बढ़ा लें। और ये देखिए एकदम बेसन फूला फूला हल्का हो गया है और बहुत ही प्यारा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। गैस बिल्कुल लो रखिए और लो फ्लेम पर अब इसमें नेक्स्ट चीज जाएगी, थोड़ा सा दूध, लगभग होगा 3 बड़े चम्मच के करीब। तो थोड़ा सा दूध डालेंगे देखिए इस तरह और दूध डालकर अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए आपको ना इसमें झाग झाग से देखेंगे तुरंत ही बेसन का दाना दाना फूल जाएगा। थोड़ा सा दूध और डालेंगे, जब ये पूरा अब्सॉर्ब हो जाए ना एक बार का दूध, तब आप थोड़ा सा और डालिए। तो 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने दूध डाला है, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो इस स्टेज पर गैस को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये मैं डाल रही हूँ 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, जैसे कि मिल्कमेड और मिठाई मेड जिनको हम बोलते हैं। और ये देखिए फटाफट से कंडेंसर बेसन में मिक्स हो गया है, बिल्कुल बढ़िया से बेसन ने अब्सॉर्ब कर लिया है। यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। बस अच्छे से कीजिए मिक्स। ये देखिए पूरा मिक्स कढ़ाई को छोड़ रहा है, बस यही वो स्टेज है कि बर्फी जमने के लिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है मोहन थाल की। तो चलिए गैस को करेंगे बंद। तो फटाफट से हमारे तैयार ग्रीस टिन में बेसन बर्फी को करेंगे ट्रांसफर। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और बस इस तरह ट्रांसफर कर हम पूरे अपने मोहन थाल मिक्स को इस तरह से किसी भी कटोरी की बैक साइड से या एक स्पैटुला से पूरा बराबर कर देंगे। और ये लीजिए एकदम परफेक्ट हमारा मोहन थाल सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको 20 मिनट इसी तरह सेट होने देंगे, बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाता है, उसके बाद करेंगे कट करके सर्व। और ये लीजिए हमारी मिठाई बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं और बस इस तरह से एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। और ये लीजिए और थोड़ा सा इस तरह से मैंने बारीक किया हुआ पिस्ता इसके ऊपर भी डाल दिया है तो एकदम बढ़िया सी लुकिंग आ जाएगी। और बस अपने दानेदार मोहन थाल को फटाफट से करते हैं कट। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी मोहन थाल बर्फी आप देख सकते हैं कट रही है, परफेक्ट सेट हुई है, ये है इसकी खास बात। तो मतलब त्योहार के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी, इसमें आपको मोहन थाल का, मैसूर पाक का, बेसन बर्फी का और मिल्क केक का सारे टेस्ट आने वाले हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी। सुपर टेस्टी सुपर क्विक हलवाई स्टाइल दानेदार बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है सिंपल पनीर। तो बस यहाँ पनीर को हमें करना होगा कद्दूकस यानी ग्रेट। तो एक इस तरह का मीडियम जिसके होल होते हैं ना ग्रेटर, आप वो लीजिए और पनीर को बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। कढ़ाई में यहाँ पर हम सारा पनीर डाल देंगे जो भी हमने ग्रेट किया ना, सारा यहाँ डाल देंगे। अब जो नेक्स्ट चीज मैं इसमें डालने वाली हूँ जिससे इस बर्फी का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा, वो है मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर। 1/2 कप दूध, सिंपल उबला हुआ दूध लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पर, ना गर्म है ना ठंडा है। और इसको बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करेंगे, यहीं पर पहले मिक्स कर लेंगे बाद में गैस पर चढ़ाएंगे। फटाफट से गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई को रखेंगे गैस पर, फ्लेम को रखेंगे लो और लगातार चलाते हुए इस मिक्स को थोड़ा गाढ़ा करेंगे। तो बस इस स्टेज पर जब मिक्स हमारा गाढ़ा होने लगे इसमें हम डालेंगे चीनी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ली है 1/4 कप चीनी, चम्मच से लगभग 5 बड़े चम्मच के करीब चीनी है। तो चीनी को भी यहीं डाल देंगे और बढ़िया से करेंगे मिक्स और लगातार चलाएंगे जरूर।
तो बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे 1/4 के करीब, अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये देखिए पूरा मिक्स एकदम बढ़िया तैयार हो गया है, कढ़ाई को छोड़ भी रहा है और ये देखिए इसका टेक्सचर। तो बस ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। और बर्फी जमाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है इस तरह की बर्फी वाली ट्रे, आप इसे स्टील की प्लेट में भी जमा सकते हैं। और पूरे मिक्स को बर्फी वाली ट्रे में डाल देंगे। ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा है ना, बनी है ना एकदम मस्त हलवाई स्टाइल बर्फी, एक बूंद घी भी नहीं लगा, तो बनाना तो बिल्कुल बनता है। और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता से, और साथ में डाल रही हूँ थोड़े से गुलाब के पेटल्स यानी गुलाब की पत्तियां। इसको सजा सकते हैं, ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और प्लेन भी रख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम शानदार हमारी दानेदार बर्फी जम करके है बिल्कुल तैयार। ये देखिए इसका टेक्सचर परफेक्ट, बहुत जल्दी जम जाती है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, एकदम बढ़िया बनेगी पहली बार में ही। बस इसको अब मनचाहे तरीके से हम कट कर लेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल वो हलवाई स्टाइल दुकान जैसी शेप में कट कर रही हूँ स्क्वायर पीसेस में। और ये देखिए मैं काट रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट और कितना जबरदस्त हमारी दानेदार बर्फी तैयार हुई है। जैसे मैंने बताया, चाहे तो इसे बर्फी की तरह काट लीजिए या इस तरह से दानेदार कलाकंद की फॉर्म में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली हलवाई स्टाइल मुंह में घुल जाने वाली दानेदार बर्फी, जिसे बनाना बिल्कुल बनता है और आप इसे जब ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और इस तरह से बना करके आप इसे फ्रिज में आसानी से 5-6 दिन के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए दाना दाना एकदम मॉइस्ट, बस मुंह में रखो और घुल जाए, ऐसी वाली ये मिठाई बनी है, मजा आ जाएगा खाकर। बहुत ही फेमस और सुपर सुपर टेस्टी 7 कप बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप चढ़ाइए एक भारी तले की कढ़ाई, फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन नॉर्मल वाला मैंने लिया है, कोई भी बेसन आप इसमें ले सकते हैं। बेसन को यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लगभग 3 मिनट के करीब रोस्ट करेंगे। और ये देखिए लगातार चलाते हुए आप देख सकते हैं कि 3 मिनट के करीब में इसका कलर चेंज हल्का सा हो गया है। तो बस इस स्टेज पर अब इसमें मैं डाल रही हूँ उसी कप से 1 कप नारियल का बुरादा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं या खोपरे का बुरा। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, ज्यादा देर नारियल को बिल्कुल भी नहीं लगती, सिर्फ 1 मिनट में ही नारियल भी भुन जाएगा। तो बस इस स्टेज पर जब दोनों चीजों में से अच्छी खुशबू आने लगे, इसमें हम डालेंगे उसी कप से 1 कप घी। तो 1 कप घी भी इसी में हम डाल देंगे और घी के साथ करेंगे बढ़िया से सभी चीजों को मिक्स। फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो और अच्छे से सभी चीजों को पकाएंगे। ये देखिए घी बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ उसी कप से 1 कप काजू का पाउडर। तो बस ये 1 कप काजू का पाउडर हम यहीं पर डाल देंगे। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप जरूर डालें काजू, क्योंकि इससे टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। मिठाई खाकर मतलब हर कोई तारीफ करेगा आपकी। और बस 1-2 मिनट इस तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे कि बढ़िया सा सब चीजें मिलजुल जाए घी के साथ, बढ़िया फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर दिख रहा है, बस 1 मिनट मैंने भुना है। इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी, यानी 4 कप चीजें पड़ चुकी है, 5वां कप मतलब आपको उसी कप से 2 कप चीनी डालनी है। तो 1 कप और दूसरा कप, टोटल हो गए 6 कप चीजें हमारी पड़ चुकी है। अच्छे से करेंगे लो फ्लेम पर चीनी को भी मिक्स और बढ़िया से चीनी को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। और चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ इसी स्टेज पर 1 कप दूध, सिंपल उबला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पर, उसी कप से 1 कप दूध, टोटल हो गए ना 7 कप। तो ये है वो मैजिकल 7 कप जो बनाएंगे आपकी बहुत ही शानदार मिठाई एकदम आसान तरीके से। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, लगातार चलाएंगे, इसमें काफी तेज बबल्स आएंगे, अभी चीनी भी बिल्कुल बढ़िया से घुल जाएगी दूध के साथ। और यहीं पर मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, आप चाहें तो अपने मन से केसर वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और गाढ़ा कर रही हूँ। तो जब तक हमारी मिठाई थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, फटाफट से करते हैं एक छोटा सा काम। तो अपनी मैजिकल 7 कप बर्फी जमाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ये स्टील की थाली, आपके पास कोई बर्फी वाली ट्रे हो तो आप वो भी ले सकते हैं। थाली पर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी और इस पर मैं लगा रही हूँ 1 बटर पेपर, चाहे तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बटर पेपर से बर्फी को निकालना थोड़ा सा आसान होगा। और बटर पेपर को भी इस तरह से ग्रीस कर देंगे। और ये देखिए बिल्कुल
परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी बर्फी में जमने के लिए आ गई है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये देखिए इस तरह से ये कढ़ाई को देखिए छोड़ रही है ना, और जब आप घुमा रहे हैं तो साथ साथ घूम रही है स्पैटुला के। या फिर आप क्या करें, एक प्लेट पर एक थोड़ा सा हिस्सा इस तरह लेके रखिए, कुछ क्षण रुकेंगे और बस ठंडा हो जाने पर इस तरह से हाथ पर आप लेकर देखिए, इसकी ना गोली बननी चाहिए। ये देखिए, तो दो उंगलियों के बीच में रखकर देखिए, हाथ पे चिपक नहीं रहा है, इस तरह से इसकी गोली सी बन रही है, परफेक्ट। तो चलिए गैस को बंद करते हैं, फटाफट मिक्स को ट्रांसफर करेंगे हमारी ग्रीस प्लेट में। और बस इस तरह से कीजिए स्प्रेड, एकदम ऊपर की सरफेस स्मूथ कर देंगे। तो बस बर्फी को इसी तरह जमने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सेट ना हो जाए। और ये लीजिए हमारी 7 कप बर्फी, बहुत ही बढ़िया से सेट हो गई है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट। मैंने इसको टर्न कर लिया है और इस पूरे पेपर को हम हटा देंगे। वाओ, तो बस इसको अपने मन चाहे शेप में कट कर लेंगे। मैं इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ, जैसे कि 7 कप बर्फी की शेप होती है, आप अपने मन चाहे तरीके से इसको कट कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे काटने से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी त्योहार स्पेशल 7 कप बर्फी। इस तरह बना करके आप मिठाई को एयर टाइट बॉक्स में लगभग 20 से 25 दिन तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी झटपट वाला खोपरा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक कढ़ाई या पैन। अभी मैंने कढ़ाई को गैस पर नहीं रखा है, कढ़ाई में यहाँ मैं डाल रही हूँ 250 ml दूध। यहाँ पर दूध में हम डालेंगे चीनी, तो मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर वाला दूध। तो चलिए अब गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई, फ्लेम को रखेंगे मीडियम हाई और लगातार चलाते हुए बढ़िया से दूध को पकाएंगे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। और हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक कि दूध में बढ़िया ट्रांसपेरेंसी ना आ जाए। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, हल्का पेल सा कलर दिख रहा होगा आपको। इस स्टेज पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, यानी डेसिकेटेड कोकोनट, खोपरे का बूरा जिसे बोलते हैं। अच्छे से करेंगे नारियल के बुरादे को बिल्कुल दूध के साथ मिक्स। यहीं पर अपनी खोपरा पाक को एकदम क्रीमी बनाने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। नारियल के बुरादे में अपना भी ऑयल होता है, इसलिए हमें यहाँ पे किसी भी घी तेल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मिठाई में बिल्कुल बाजार जैसा कलर आ जाए तो इसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 पिंच येलो फूड कलर, अगर हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप इसके बगैर किसी भी कलर में किसी भी फ्लेवर में खोपरा पाक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, देखने से ही पता चल रहा है ना, सॉफ्ट मॉइस्ट एकदम जबरदस्त वाला मिक्स तैयार हुआ है खोपरा पाक का। ये देखिए बनी है ना एकदम परफेक्ट, शाइनी भी है। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और खोपरा पाक यानी नारियल बर्फी को सेट करने के लिए आप ले लीजिए कोई भी स्टील की थाली, प्लेट या कोई भी बर्फी वाली ट्रे भी ले सकते हैं। और बस थोड़ा सा घी लेकर के इस तरह से प्लेट को कर लेंगे ग्रीस और सारे खोपरा पाक के मिक्स को इस तरह से थाली पर ट्रांसफर कर लेंगे। और इस तरह ट्रांसफर करके ऊपर से इसको पूरा लेवल कर देंगे। अब इसको हल्का सा 2-3 मिनट ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारी बर्फी हल्की सी ठंडी हो गई है, तो मैं इसको सजा रही हूँ बिल्कुल मिठाई की दुकान की तरह से, चांदी के वर्क से। तो इसको बढ़िया से पहले सेट होने देंगे, इसी तरह छोड़ देंगे या आप इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फटाफट सेट हो जाती है ये, उसके बाद करेंगे इसको कट करके सर्व। तो लीजिए हमारा खोपरा पाक हो गया है बिल्कुल बढ़िया से सेट। तो बस इसे नाइफ से कट कर लेंगे अपनी मनचाही शेप में। मैं इसको बिल्कुल वो बाजार वाली शेप दे रही हूँ, चौकोर चौकोर पीसेस मिलते हैं ना, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है, जैसे आप मेरे काटने से ही समझ सकते हैं। और ये देखिए इसका बेहतरीन टेक्सचर, जो भी खाएगा खाता रह जाएगा और आपकी तारीफ किए नहीं थकेगा, इतनी बढ़िया ये मिठाई बनती है। और आपने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि घर में हमेशा रहते ही हैं। तो सभी पीसेस को इसी तरह निकाल लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा झटपट बनने वाला बहुत बहुत टेस्टी और एकदम मिठाई की दुकान जैसा खोपरा पाक, एकदम दरदरी दानेदार और एकदम टेस्टी जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, मक्खन की तरह नरम। ये देखिए मॉइस्ट बनी है एकदम। हलवाई स्टाइल इंस्टेंट बेसन सूजी बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है 1.5 कप बेसन, 1/2 कप सूजी। इससे क्या होगा कि जो हमारी बेसन सूजी बर्फी है वो बिल्कुल हलवाइयों की तरह दानेदार बनेगी। उससे दोनों चीज को मिला लीजिए, इससे जो भी बेसन में लम्स होंगे यानी गुठलियां होंगी वो टूट जाएंगी और बेसन सूजी बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे।
लीजिए अच्छी तरीके से बेसन और सूजी मिक्स मैंने कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक भारी तले की कढ़ाई और फ्लेम को यहाँ पर कर दीजिए लो। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप घी लिया है, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम। पहले आप इसमें 1/2 कप घी डालिए और जैसे ही घी हमारा पिघल जाएगा फ्लेम रखिए बिल्कुल लो और इसमें हम सारा बेसन और सूजी जो भी मिक्स करके तैयार किया ना इसमें डाल देंगे। बेसन और सूजी को इस तरह लगातार चलाते हुए भूनना है। सबसे जरूरी पॉइंट, फ्लेम लो और बेसन सूजी को आपको चलाना है लगातार। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इस स्टेज पर जो बचा हुआ घी था उसमें से 1 चम्मच घी हम और डाल देंगे। इस तरीके से सूजी का दाना दाना बढ़िया से फूल जाएगा। इस स्टेज के बाद कलर बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए फ्लेम को लगातार लो रखें और चलाएं जरूर। अभी आप देख सकते हैं ना बेसन ने पूरा घी रिलीज कर दिया, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी बताई है घी की। ज्यादा घी बिल्कुल ना डालें वरना बर्फी जमने में परेशानी हो जाएगी। फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इलायची पाउडर डाल करके अच्छे से कर देंगे मिक्स। और बस बढ़िया सा कलर आते ही लो फ्लेम पर अब इसमें जाएगा 3/4 कप चीनी का पाउडर। अच्छी तरीके से चीनी के पाउडर के साथ कर देंगे बेसन सूजी को मिक्स। तो मैंने यहाँ गैस को ऑफ कर दिया है, पहले मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये लीजिए मैंने चीनी के पाउडर को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्स है उसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया, देखिए इस तरीके का। तो बस थोड़ी देर आप इस तरह और चलाते रहें, गैस बिल्कुल मैंने बंद कर दी है। अब आप लीजिए एक बर्फी वाली ट्रे को कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीस, जरा सा लगाइए घी। मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एक बटर पेपर। अब बटर पेपर को भी मैं थोड़ा सा घी लगा कर दूंगी इस तरह ग्रीस। मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे पिस्ता से। सारा मिक्स हम बर्फी का इसके ऊपर डाल देंगे और बस एक बार करेंगे टैप। और बस इस तरह से डालने के बाद आप बर्फी को जमने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो मैं रख देती हूँ इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, जिससे ये बिल्कुल बढ़िया सेट हो जाए। हमारी बेसन सूजी की बर्फी एकदम बढ़िया सेट हो गई है। तो बस इस स्टेज पर हल्का सा हम इसको इस तरह से ढीला करेंगे और धीरे से इस तरह से हम बर्फी को निकालेंगे, इसको हटा लेंगे। इसको मैं लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ, आप अपने अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली मुंह में घुल जाने जैसी हलवाई स्टाइल बेसन सूजी बर्फी। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से कम मेहनत, कम समय और कम सामान के साथ आप एक से एक बढ़िया मिठाई घर में तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को दे सकते हैं इस रक्षाबंधन पर सरप्राइज, और बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बच सकते हैं। 100% मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, आप इनमें से कोई भी मिठाई बनाइए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। साथ के साथ कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी और टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि किसी को लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाई है। तो इन 6 मिठाई में से आपकी कौन सी फेवरेट मिठाई है और आप कौन सी बनाने वाले हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।